नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस का दहशत अब भी जारी है। हमारी सरकार अब भी स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। लोगों से अपील कर रही है कि घर में रहे ताकि कोरोना वायरस की चेन तोड़ सके। इस बीच सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वाले लोगों को मिली वार्निंग। एसपी कार्तिक ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर कोई भी सोशल मीडिया पर अफवाह नहीं फैलाएगा। अगर ऐसा होता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि इन अफवाहों से लोगों में डर का माहौल पैदा होता है। इस बात को नजर में रखते हुए सरकारी एजेंसी इस बात पर कड़ी निगरानी रख रही है कि कोई भी गलत अफवाह ना फैलाए। हरियाणा पुलिस की साइबर सेल इस बात पर पहले से ही नजर रख रही है। एक और बात, अगर आप सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि किए कोई भी अफवाह को पोस्ट या फॉरवर्ड करते हो तो आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ आईटी एक्ट व एपिडेमिक एक्ट में मामले दर्ज किए जाएंगे और कानून में इसके लिए सजा का प्रावधान भी है। आप सुनिए इस मामले को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है। आणखीन एक वायरस आता समोर येतोय, जसा COVID-19 हा एक वायरस आहे। कोणत्याही प्रकारचे व्हिडिओ, मग ते नोटाला थुकी लावून पसरवणं, वेगवेगळे काही इशारे देणं, असं जर का प्रयत्न केला, ह्या जर कोणी वृत्ती अगदी मस्तीत किंवा गमतीत जरी करत असेल तर त्या तात्काळ थांबल्या पाहिजे। जैसे कि आपने सुना कि सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं उन लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ जो नागरिकों को गलत संदेश फैला रहे हैं। अगर गलत संदेश फैलाया तो हम उस पर सख्त कदम उठाएंगे कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर तरह तरह के कोरोना वायरस से जुड़ी अफवाहें फैल रही है, जिसके चलते लोगों में एक माहौल देखने को मिलता है, अफवाहों के चलते कोई बड़ी घटना भी हो सकती है, इसलिए आप ऐसे अफवाहों से बचें और दूसरे को भी बचाए रखें। इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुँचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।